सबसे पहले तो मोदी सरकार का, बीजेपी की जो पार्टी है, इसका क्या जनता के लिए क्या भविष्य रहने वाला है, ये अब आती है तो अब ये देश के लिए कौन सा नया भविष्य लेकर के आएगी, कौन सा नया ऐसा रूपरेखा लेकर के आएगी? देखिए, ये जो सरकार है जी, इसके जो मुख्य बिंदु रहेंगे जी कार्य करने के जी, वो दो दिखाई पड़ते हैं, एक सुरक्षा जी और एक वित्त। इन दो बिंदुओं पर और इन दो मुद्दों पर जी इस साल पूरे साल सरकार का पूरा फोकस रहना है। सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जी और बाहरी सुरक्षा, ये दोनों ही मुद्दे बड़े ही अहम हैं और सरकार बनते ही इन पर आपको देखने के लिए मिल सकता है कि कुछ न कुछ फैसला मोदी सरकार इन पर ले सकती है। जैसा कि आपने पिछले कार्यकाल में भी देखा होगा कि जब जब मोदी सरकार बनी है, मोदी जी पावर में आए हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण की है, कुछ न कुछ उन्होंने ऐसा सरप्राइज जनता को दिया है जिसे जनता एक्सपेक्ट, जिसे जनता चाहती थी, खुश हुई, जिसका जनता इंतजार बरसों से कर रही होती है। तो उनकी जो कार्य करने की शैली है, जो चौंकाने की शैली है, वो निरंतर तीसरी बार भी रहेगी और कोई न कोई ऐसा वो फैसला दे सकते हैं जिससे जनता खुश रहे और जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, वो चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो जी, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जी। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी गवर्नमेंट इस साल तो केवल इन्हीं दो मुद्दों पर पूरा फोकस करने वाली है।